हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और गाइस, इस वीडियो में हम बताएंगे कि राजा राहुल एमबीबीएस एक्सप्रेस कंसल्टेंसी जो है, इस कंसल्टेंसी ने मेरे घर पे कॉल किया एक फेक नंबर से और एक फेक एज अ साइबर क्राइम बात कर रहे करके। मतलब राजा राहुल सिंह दोनों ने मिलकर किया है कॉल और हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस में डाली है। पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है इस बात की। एंड सेकंड थिंग गाइस, ये हम इतनी सारी वीडियोस बना रहे, इतना सारा कंटेंट, मतलब इतना फ्रॉड एजेंसी के खिलाफ बना रहे, जो हमने जो खुद ने सफर किया है, जो हमारे साथ हुआ है, हम लिटरली वही चीज आपको बता रहे हैं, विद प्रूफ आपको बता रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हम लोग फंस गए, आप लोग नहीं, लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं भाई। ये इतने चीप हरकत कर सकते हैं, इस लेवल तक गिर सकते हैं, हमने भी नहीं सोचा था। ना यार, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, करते इस वीडियो को स्टार्ट। गाइस देखो, हमने इतनी सारी वीडियो सीरीज बनाई यार फ्रॉड एजेंसी के बारे में। हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, हमने वो आपको पूरा बताया। जेन्युइन किस्सा हमने प्रूफ के साथ दिया आपको। ऐसे मार्केट में बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं। आज की डेट में, आज ही सुबह 10 बजे इंडियन टाइम पे मेरे घर पे घर वालों को एक फेक कॉल आया, जो कि फेक कॉल किया था। मैंने आपको पूरा प्रूफ दूंगा, फेक कॉल किया था राहुल सिंह ने, और राहुल सिंह ने क्राइम ब्रांच बन के मेरे घर पे कॉल किया कि बोल रहा है कि मतलब मैं आपको एडियो दूंगा। और बकायदा प्रूफ के साथ मेरे पास मेरे दी ने स्क्रीनशॉट भेजी है एंड एडियो भी भेजा है मुझे। उसके अंदर जो राहुल ने फेक क्राइम ब्रांच कर बन के मेरे घर पे बात की और मेरे घर पे कॉल करके बोलता कि आपका बच्चा जो वीडियो बना रहा है, मतलब राजा राहुल के खिलाफ मेरे पास केस या फायर फाइल हुई, बोले आपके बच्चे के अगेंस्ट कि उस फेक वीडियो बना रहा है ऐसे वैसे। गाइस देखो, हमारे साथ जो बीता यार, हमने आपको बताया, इतने सारे वीडियोस हमने बनाए, इतने सारे प्रूफ के सहित बनाए। एक स्टूडेंट ने, मोर देन 27 स्टूडेंट अभी सफर कर रही सिचुएशन को। एक मेरी बात होती थी, चलो ठीक है, मैं अलग बना सकता था। मोर देन 27 स्टूडेंट हमारे साथ है गाइस। उन लोगों ने FIR भी की हुई है, हमने खुद FIR की हुई है, बट अभी तक कुछ नहीं। बाद में जब उसका सुबह कॉल आया हमारे घर पे, तो मेरी घर वाले थोड़े से डर गए थे यार, कि हर किसी की फैमिली थोड़ी सी पजेसिव होती है अभी घर वालों को लेकर। अभी सुबह जब मेरे घर पे कॉल आया और मेरी दीदी को बोला कि यह क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, आपके सजिंग के अगेंस्ट कंप्लेंट आई करके, बकायदा वो आवाज पूरी राहुल की है। मैं बताऊंगा आपको, मेरे एजेंट की इतनी चीफ हरकतें कर सकता है यार कोई, मतलब ऐसे फैमिली वालों को डराना बस। वो मेरी दीदी बाद में पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस स्टेशन में उन्होंने सब बातें बोली दोनों की। बाद में उस राहुल की ऑडियो मैच की गई और मैंने जो क्राइम ब्रांच बन के बात की थी राहुल सिंह ने, हमारे एजेंट ने, एमबीबीएस एक्सप्रेस ने, वो भी ऑडियो मैच की, दोनों की ऑडियो सेम ही है। बाकी एक्शन तो पुलिस लेगी गाइस। बट गाइस, इस वीडियो में मुझे यही बोलना है, वो ऑडियो सुनना और आप लोग दोनों भी पता करना कि वो हमको तो वो ऑडियो पूरी सेम लगी है। आप भी गाइस बताना, हम दोनों ऑडियो हमारी नॉर्मल की भी यार, हम वो 2 साल से हमारा एजेंट था, हमें पता है दो, आप मैं उसके साथ रहा हूँ, वो उसके किस टोन में बात करता है, उसका बिहेवियर सब कुछ हमें पता है, किस लेवल तक जा सकता है। बट ये नहीं पता था यार, एक एजेंट होकर इतना गिर सकता है, मतलब एक रिवेंज लेवल तक आ सकता है। मतलब अगर हमने उन लोगों की सारी सच्चाई दिखा दी, तो वो लोग अभी रिवेंज लेने आ रहे हैं, फेक साइबर क्राइम बनकर वो हमको कॉल कर रहे हैं हमारे घर वालों को, और हमको हैरेस कर रहे हैं, हमको इतना डिप्रेशन में डाल दिया है ना उन लोगों ने, हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम पढ़ाई करें या फिर हम यहाँ पे आके यही सब कर रहे हैं, पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना गाइस, अभी आपको हम दोनों ऑडियो पब्लिश करेंगे, एक राहुल की एज ए बात करने की टोन और जो मैं घर पे बात की थी वो, आप मैच करके आप खुद हमें कमेंट में बताना कि दोनों वॉइस सेम है कि नहीं करके। आप दोनों वॉइस चेक करना एक बार, दोनों वॉइस डालूंगा मैं नॉर्मल वाली और जो उसने मेरे घर पे कॉल की थी साइबर क्राइम, मेरे दी से जो बात की थी। गाइस अभी आप ना जो साइबर क्राइम दिल्ली दीपक पाल जी का जो कॉल आया था वो ऑडियो सुनो आप अभी, और गाइस उसमें कंपेयर करना कि आवाज किसकी है, वो जो मेल बात कर रहा है ना उसकी आवाज कंपेयर करना। तो गाइस आप सुनिए, ऑडियो सुनिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यस सर, आप सचिन के फिल्टर बात कर रहे हैं? या आपको, हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, आपको बात कर रहे हो? पाल जी बात कर रहा हूँ, यहाँ साइबर क्राइम से। सचिन आपका नाम क्या बताया, आपका नाम क्या बताया आपने आपका? हेलो हेलो, आप ओके? हाँ तो बोलिए। मेरे पास इनका नाइट में कंप्लेन आए थे। हाँ, किस रिगार्डिंग? ये रिगार्डिंग कोई सचिन ने कोई किसी से वीडियो वगैरह कुछ किया है, लिंक आया मेरे पास, यहाँ तो फिजिकली भी दे दिए हैं। अब बताओ मुझे, अब 2-4 कंप्लेंट इन्होंने और कहीं कर देगा, कर देगा। कल राजा सर का कॉल आया था ना, मैंने उनको यही बोला कि आप पीस पे कर दो, मैं उनको बोल देती हूँ।
वो तो जो भी हो, आप देखो, आप समझिए, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कल वो आएगा स्टूडेंट आपका भाई जो भी है, हाँ एमसीआई क्या क्या एग्जाम जो होता है, उन्होंने सारी चीजें मैंने पूछता हूँ तो अच्छे से पूछता हूँ क्या होता नहीं होता, तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा उनका क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसे है, चलो इन लोग का कुछ नहीं, इन लोग का धंधा पानी इन लोग का चलते रहेगा, इन लोग का बहुत कुछ नहीं, तो अपने धंधे पानी के लिए किसी के स्टूडेंट के ऊपर मतलब किसी की लाइफ खराब करना है तो आप लोगों ने ऑडियो सुनी, अब उस ऑडियो पे थोड़ा सा फोकस करके अभी आप ना ये वाली ऑडियो सुनना जिसमें कि राहुल ने दीदी को कॉल किया दीदी को, और वो उस ऑडियो पे फिर दोनों ऑडियो का कंपैरिजन करना कि ये लोग इस लेवल तक गिर सकते हैं ना, दोनों ऑडियो में सेम आवाज है और सेम पर्सन ने फेक कॉल किया है, वो भी साइबर क्राइम ब्रांच का नाम लेकर, शायद से वो भूल गए कि साइबर क्राइम कितनी बड़ी चीज होती है, एक्ट नंबर 107 उन पे लगेगा, उनको ये भी यार इतने मतलब एक कैसे लोग हो सकते हैं, आप स्क्रिप्ट ऑडियो सुनो फिर हम बाद में आप बताना, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बोलिए। जी मैं राहुल से बोल रहा हूँ। एक मिनट हेलो एक मिनट। हाँ बोलिए। जी मैं राहुल ही बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी मैं वही बोल रहा था, आप क्या बोलते हैं, अभी सचिन का कॉल आया था, मैसेज आया था मेरे पास। क्या बोल के मैसेज आया था? वो सचिन बोल रहा है कुछ हम कुछ कराएंगे क्या हम पूछे, हम पूछे सचिन से क्या मतलब है, वो मुझे बोल रहा है मैं कभी भी आज सचिन से बात की हूँ मुझे 4 महीने हो गए हैं, मैं आपसे बात करता हूँ ना सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, ठीक है, और वो ये वो आपसे राजा जी से बात भी किया हुई नहीं बताई चीज के लिए, आपसे कहा क्या किया कंपनी नहीं किया मैं सब चीज में नहीं बताता, वो ये मेरा बोल दो कि मेरे पे मैसेज ना करे, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, मुझे आपसे बात था, मैं आपसे बात किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना देने नहीं, राजा जी समझे, राजा जी से सचिन समझ रहा है, मुझे मतलब नहीं है, वो मुझे मैसेज करके बोल रहा है कि आप ये कर रहे हो करे, मुझे सबसे क्या मेरे पास इतने टाइम नहीं है, अगर टाइम होता तो मैं आपसे बात करता ना पहले भी, भाई जो भी लेन देन था आप लोग के बीच में तो आप लोग ये जो भी था वो कर रहे हो करे अपना, मुझे आप लोग क्यों ये चीज कर रहे हो, मैं सब चीज छोड़ चुका हूँ, मैं इस काम में नहीं हूँ। अभी आपने दोनों ऑडियो सुन ली होगी, आप लोगों ने कंपैरिजन भी कर लिया होगा, तो हमको तो ये दोनों चीजें सेम लगी, दोनों ऑडियो में सेम आवाज है, सेम पर्सन है, हमको इसलिए सेम लगा क्योंकि हम इतने सालों से उस पर्सन को जानते हैं, तो अभी आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग को भी वो ऑडियो सेम लगी है या नहीं, वही सेम पर्सन दो लोगों से अलग अलग कॉल करके बात कर रहा है या नहीं, और उन लोगों ने ना पूरा इंडियन एक्ट को अपने हाथ में ले लिया है और ये बहुत गंदे तरीके से उन्होंने एक इंडियन एक्ट एक इंडियन लीगल तरीकों का गलत यूज किया है, और इसके लिए उन लोगों को बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। वही ना, और यार आप खुद सोच सकते हो कि मतलब एक इसी एजेंट, वो एजेंट आपके घर पे कॉल करके बोल रहा है कि मैं मतलब यार अब सच के लिए, मतलब हमने सच वीडियो डाली कि हमारी फीस ने भरी, मम्मी ने 27 और भी बच्चे उनकी भी फीस ने भरी गाइस, तो हम अकेले नहीं फंसे हुए, 27 और भी बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी भी फीस ने डाली, सब लोगों ने एफआईआर की हुई है, सब कुछ किया, उसी सच को छुपाने के लिए ये लोग, ये साले मतलब सॉरी अभिजीत कर रहा हूँ गलती से निकल गया, ये यार ये लोग मतलब खुद ही साइबर क्राइम से बता रहे हैं कि मैं साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ, और घर पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा हैरेस टाइप का हो गया ना, इलीगली डायरेक्ट हैरेस कर रहे घर वालों को ये लोग, यार इस लेवल तक कौन गिर सकता है, आप खुद बताओ यार इस लेवल तक मतलब कोई एजेंट इस लेवल तक गिर सकता है यार, MBBS एक्सप्रेस यार मतलब क्या बताऊँ इन लोगों को, तो सच में मेरे पास वर्डिंग होती है ना बोलने के लिए, वर्डिंग नहीं इन लोगों के लिए मेरे पास, तो हमारे घर वाले पूरे मोल मतलब सब डरा हुआ है कि घर पे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया, क्या सीन हो गया करके, मतलब जबकि हमने तो वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला, हमने तो सिर्फ यही बोला ना कि आप सभी स्टूडेंट्स का फीस भर दो और हमारी फीस भी अटकी हुई है, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ हम ही एक यूट्यूबर हैं और हम ही सिर्फ वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उनके अगेंस्ट वीडियो डाल रहे हैं बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं है या फिर आई डोंट नो कि वो कैसे डाल रहे हैं, हम विद प्रूफ वीडियो डाल रहे हैं, उनकी सारी सच्चाई बता रहे हैं, तो वो लोग अभी इस हद तक गिर गए हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मेरा फ्रेंड है ओरियल यूनिवर्सिटी में, उस फ्रेंड से उसने बात की थी गाइस, मतलब उस फ्रेंड को उसने धमकी दी थी, उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, अभी वो वाली रिकॉर्डिंग भी मैं एट द एंड राहुल सिंह की रिकॉर्डिंग आपको भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर मेरा मतलब MBBS एक्सप्रेस जो मेरा एजेंट था राहुल सिंह एंड राजा सिंह उसके ओनर, उसका तो नाम भी फेंक है पहली बात, रोशन सिंह यानी रूपेश सिंह, उसने उसको धमकी दी, उसको बोलता है रशिया से उठवा लेंगे, हमारी पहुंच क्या कम है क्या, लड़का
का है ना जो तुमको बता रहा था, 5 मिनट भी नहीं लेंगे इसको यहाँ से गुजरात ओरल से गुजरात भेजने में, ठीक है? तुमको मालूम है ना कि ओरल में ओरल हो या फिर जो भी दूसरे यूनिवर्सिटी में, इतनी अच्छी पकड़ रहती है हमें, ये सब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे है, फर्स्ट ईयर का बच्चा चाहे ये सब बच्चा कुछ करेगा क्या मुझे, या उल्टे सीधे बोलेगा क्या? 5 मिनट लगे उसे समझा देना, 5 मिनट लगेंगे उसको वहां से निकालवाने। क्या बोला तूने? कोई सेंस है इस बात की? आपको मैंने मतलब गिरा हुआ काम कर सकते हो अभी तो लीगल एक्शन तो आपके ऊपर, मेरी बात, मेरा वीडियो यदि राजा राहुल सिंह देख रहे होगे ना, आपके ऊपर लीगल एक्शन तो अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेगी ही लेगी, उसके बाद में आप मार्केट में काम करके दिखाना, ये सब गलत काम कर रहे हो ना पूरा। जो बच्चों को ऐसे गुमराह कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो ना रशिया के अंदर इंडिया में बैठ के, वो सारी धमकियों की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ऑन द रिकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो के एंड में वो रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा। तो गाइस देखो, मैंने मेरा हमारा जेन्युइन हमने जो हमारे साथ हुआ हमने दिखाया, बाकी के जो इंडिया में बच्चे अभी आना चाहते हैं और जो बाकी के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसे फ्रॉड एजेंसी प्लीज बच के रही है। और हम गाइस हम क्यों फंसे उनके एजेंट में, क्योंकि कम पैसा हमने, उन्होंने हमको बोला 90,000 के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा, बाकी के एडिशनल आपको 2 लाख रुपए लगेगी ट्यूशन फीस। हमने यही समझ के गाइस यही पे फ्रॉड हो गया, यही हमको लगा कि कम फीस ले रहा है, हम लोग फंस गए, हमें लगा कि अरे बहुत जेन्युइन है, जेन्युइन अमाउंट ले रहा है, बट बाद में उसने एजेंसी फीस ले ली। मेरी तो एजेंसी फीस मैंने 90,000 में से सिर्फ 65,000 पे किए थे, बाकी मेरी 25,000 बाकी थी फीस, एजेंसी फीस, और उसमें मैंने उसको 2 लाख रुपए कैश दिए थे कि आप फीस भर देना सर करके, क्योंकि मेरी तब थोड़ी सी कंडीशन सही नहीं चल रही थी। बाकी हर्षिता ने, यार देखो मतलब एक कोई हद होती है ना, उसने हमारा 2 लाख रुपए ले भी लिया, तब का हमने रेट 1.4050 से चेक कराया था, मेरे पास रिसिप्ट भी हमारे पास पड़ी हुई है, इतना हमने 2 लाख रुपए कैश दे दिया उसको, उसके बाद में उसने ना हमारी ट्यूशन फीस पे की ना कुछ भी प्रोसेस नहीं की, यहाँ के सब कुछ हमने हमारा खुद पे किया है, सब चीजें खुद पे की हमने, और बाकी वो ऊपर से ऐसे ये कर रहे हैं और दिन ब दिन, और यार इतने बेशरम लोग, और दिन ब दिन उनके यूट्यूब चैनल पे और वीडियोस डाले जा रहे हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है भाई, मतलब एक सोशल मीडिया को पूरा उन्होंने, इतना सोशल मीडिया को इतना गंदे तरीके से यूज किया यूट्यूब का उन्होंने, मतलब बच्चों को फंसाने के लिए आए दिन वीडियो डाल रहे हैं और इतने फेक पे फेक, इतने बेशरम लोग यार, मैंने गाइस देखे नहीं। बात तो सही है। तो साइबर क्राइम वालों का ये कहना है कि अभी उनके पास पैसा नहीं है, धीरे 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 वो भर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया लेते टाइम पे तो पैसा उन लोगों ने ये नहीं किया कि धीरे धीरे बच्चा भर देगा, बच्चे से लेने का ट्यूशन फी लेने का मतलब ही क्या बनता है उनका, पहली बात तो अगर वो रियल साइबर क्राइम वाले हैं तो उनके क्वेश्चन वो मतलब फुल उसका राजा राहुल का साथ दे रहे हैं, पहली बात तो वो है ही नहीं। आप एडियो सुनना साइबर क्राइम करके जो बात की, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, मतलब आप सिर्फ एडियो सुनना, इस एडो में आप खुद देख लेना, और सुबह 10:30 बजे हमारे पास में जो है पहले मैसेज आया था इसकी दी के पास में, उसके बाद उन्होंने कॉल किया। एंड सबसे बड़ी बात जो इनका जो जिस नंबर से आया ना उस नंबर पे इन्होंने लिखा है आई एम दीपक पास साइबर क्राइम दिल्ली, और वही नंबर जब हमने ट्रू कॉलर पे चेक किया तो वही नंबर पूजा के नाम से आ रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, मतलब यार मतलब साइबर क्राइम वालों के पास इतना फ्री टाइम है कि वो ट्रू कॉलर पे अपना नाम पूजा रखे और जाके आपको व्हाट्सएप करे कि हम दीपक पाल बोल रहे हैं। तो दीपक पाल जी आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता अगर आप साइबर क्राइम से हैं नहीं है, अगर ये आपका मिसयूज हो रहा है आपके नाम का तो प्लीज इसके रिगार्डिंग भी आप कंप्लेन करें, क्योंकि आपका नाम का मिसयूज हो रहा है इधर। वही ना, और ऑलरेडी हमने पुलिस कंप्लेंट फायर कर दी है, ऑलरेडी हम ये जो केस ये पूरा मैटर हमने पुलिस के सामने पहले ही हमने FIR कर चुके थे, बट हमने कोर्ट केस की नहीं थी, अभी हमने कोर्ट केस भी कर दी है, एडवोकेट भी लगाए इस चीज के पीछे, और ये जो फ्रॉड है ना एक के साथ नहीं हुआ गाइज, यार प्लीज हेल्प कीजिए, यार वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लॉयलिटी हम जो हमारे साथ हुआ है वो बता रहे हैं, बाकी यार कोई इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहा होगा इंडिया में तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर करो, देखो जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ भी कल हो सकता है, ऐसा कोई नहीं हो नहीं सकता करके, तो आप प्लीज इस बात को सोचिए जो जिन लोगों ने फ्रॉड किया है प्लीज बी अवेयर उनके, यार थोड़ा सा अवेयर रहिए, ऐसी एजेंसी को चूज मत करिए, MBBS एक्सप्रेस है कंप्लीटली पूरी फ्रॉड एजेंसी है, सिर्फ MBBS एक्सप्रेस बहुत सारी एजेंसी है, पर हमारे साथ में जिसने फ्रॉड किया है हम उसी को सामने लेके आएंगे। सबसे बड़ी बात ये जो दीपक पाल है जिन्होंने कॉल किया, उन्होंने जब हमने इनसे बोला इसकी दी ने कि आप जो है अपने कंप्लेंट जिसके रिगार्डिंग कंप्लेंट हुई है आप वो फाइल हमें सेंड करो,
जिससे हम पुलिस स्टेशन जाएं और इस बारे में बात करें। तो उन्होंने अब तक कोई रिप्लाई नहीं किया है, ना मैसेज सीन किया है। तो अगर कंप्लेन हुई है और कोई भी साइबर क्राइम वाला क्या ये बोलेगा कि मैं आई काम करता हूँ आपको राजा जी के साथ में कॉल कॉन्फ्रेंस में ले लेता हूँ, आप हमको वो प्रूफ दे दें ना, जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हमें दे, जो उन्होंने प्रूफ दिया है वो हमें सेंड करे एक बार। वही ना यार, मतलब राजा राहुल का मतलब इतना, मतलब छोटे बच्चे होने यार कितने, तेरे घर पे कॉल करके पुलिस बन के कॉल करता हूँ, अब मतलब अब्यूजिंग करने का मना आ रहा है यार गाइस, मतलब इतने लिटरली उनको दिमाग घुटनों में, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ दिमाग ही नहीं, कंट्रोल कंट्रोल उदय कैसे कैसे लोग है यार ये लोग, मतलब एक हद तक गिरो ना भाई, क्या करके आ रहे तुम मार्केट में, मतलब एक हद तक ये ऐसे, मतलब ऐसे चीप हरकतें मत करो, मेरा वीडियो देख रहे होगे ना, ऐसे चीप हरकतें मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, पैसा भरो स्टूडेंट का, 27 से ज्यादा स्टूडेंट का पैसा लेके रखा है आपने, पैसा क्यों नहीं भर रहे हो, हमारा पैसा भरो, एक एक रुपीज, अरे यार देखो मिडिल क्लास फैमिली जो पैसा कमाती है ना, ऐसे आप जैसे दल्लों की मतलब फेक ऐसे ये करके नहीं कमाती, मिडिल क्लास फैमिली वालों का पैसा बहुत मेहनत से होता है, सबका पैसा भरो पहले, और आप वीडियो देने की, अगर आप लोग वीडियो एडिट करने की धमकी दे रहे हो, आप लोग जो दूसरे एजेंट से कहलवाते हो मतलब हाइड वीडियो हाइड करो ये करो वो करो, नहीं हाइड होगी वीडियो, उस सब चीजों की रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया मिस्टर राजा एंड राहुल, आपको बोल रहा हूँ आप ना मार्केट में भी लाइक नहीं रहोगे, मैं रिकॉर्डिंग डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि यार आप अपना बिजनेस करो पहले, आप ठीक हो अपनी जगह पे अपना बिजनेस कर रहे हो, बट यार ऐसे किसी के साथ फ्रॉड मत करो, जिस बच्चों का पेमेंट लिया उस बच्चों का पेमेंट पहले पूरा करो, उसके बाद में जो घटना वो करो। हम लोग नवंबर में आए थे और नवंबर में हमसे पेमेंट ले लिया गया था, और अभी साइबर क्राइम वालों का कहना है कि अभी अगस्त अभी जुलाई चल रहा है कि आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा, तो इसके दी ने बोला कब तक होगा भाई, साल हो गया, एक भाई। साल हो गया है, तो क्या कर रहा है पेमेंट, मतलब धीरे 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 हो जाएगा भाई, तुम लोगों ने ट्यूशन फीस ली है, हम यहाँ से एक्सपेल हो जाएंगे तो हम लोग क्या फीस भरोगे क्या, और उनका कहना है कि अभी उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ गया, हमारी गलती नहीं है, अपने पैसों से अपना घर खरीदो, अपने पैसों से अपनी जमीन खरीदो, दूसरे पेरेंट्स के पैसों से लेकर अपनी जमीन अपना घर मत खरीदो। वही गाइज यार, तो बस इस वीडियो में ये बताना था कि यार मतलब देखो हमारे साथ हुआ गाइज, आपके साथ ना हो, और बस हमने ये बोला कि मतलब एक एजेंट ना इस लेवल तक भी गिर सकता है, मतलब वो छोटे बच्चे वाला चोर पुलिस वाला खेलने होता, मैं इतने घर पे यार, मतलब यार इतनी चीफ हरकतें कर रहे हो भाई, मतलब एक काम करो इससे अच्छा भाई, आपके पास दिमाग नहीं होगा ना, गूगल पे सर्च कर लिया करो आजकल सोशल मीडिया कहाँ पर है करके, हमने पता कर लिया सब चीजें, और हाँ जो कुछ तुमने ये जो क्राइम किया है ना अंडर सेक्शन 107 के अंदर आता है, अब इसके अगेंस्ट हमने केस फाइल भी कर दिया, राजा राहुल एक दो दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा पुलिस स्टेशन से ही, आपने जो हमारे पहले में तो बात उठा भी नहीं रहा था, पहले सिर्फ हमारा पैसा था, मैंने बोला जो जो स्टूडेंट मेरे टच में, तो मोर देन 27 स्टूडेंट का आपने पैसा लेके, आप खुद काउंट कर लो, एक बच्चे से $4,000 से ज्यादा लेते हैं, एक रुपए भरा नहीं अब तक उन्होंने, तो अब मोर देन 27 बच्चे मिनिमम 1-2 करोड़ का पैसा लेके बैठे हुए लोग, और ऊपर से मतलब ऐसे फेक कॉल करवाते हैं, तो गाइस इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यार देखो हमारे साथ हुआ इसलिए हमने बताया, जेन्युइन किस्सा सुना है, बाकी यार आपकी क्या राय इस कमेंट में, इस वीडियो के अंदर हमें जरूर बताइए, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके प्लीज उतना शेयर करो प्लीज, क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि यार हमको समझ नहीं आ रहा कि स्टडी पे फोकस करें कि इन जैसे मतलब एजेंटों को मतलब यार कर क्या रहे पता नहीं है, मतलब खुद बहुत इन लोगों ने बहुत अलग लेवल का डिप्रेशन दे दिया है हमें, मतलब बहुत ही ज्यादा गिरे हुए और घटिया लोग हैं, इन पे बिल्कुल भी बिलीव मत करना, और जो बच्चे अभी जा रहे हैं ना इन लोगों के साथ में, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और एक एक रिकॉर्डिंग सही से सुनना इन लोगों की, प्लीज। चलो गाइस तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।